नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जो चर्चा करेंगे मीन राशि के साप्ताहिक राशि फल के ऊपर बात करेंगे, जानेंगे ये सप्ताह कैसा रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए, क्या समस्या इस सब जो भी समस्या इनको चल रही थी क्या वो इस सप्ताह हल हो पाएंगी, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, मीन राशि वालों के सप्ताह इनके चंद्रमा इनके सप्तम भाव, अष्टम भाव एवं धर्म भाव यानी कि भाग्य स्थान पर गोचर करेगा। दोस्तों, जो भी विवाह संबंधित समस्या आपको चल रही थी वो इस सप्ताह आपकी हल हो जाएंगी। जो भी विवाह से संबंधित समस्या थी आपकी हल हो जाएंगी। जो भी आपकी पार्टनर से लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो इस सप्ताह आपके हल हो जाएंगे। विवाह तय होने के योग आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं इस सप्ताह, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर का ध्यान रखना है। हो सकता है उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए, तो उनकी तबीयत का ख्याल रखें, उनके खाने पीने पर कंट्रोल करके रखें। दोस्तों, सप्ताह के बीच में आते आते आपको कोई अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, कुछ अचानक से आपको धन प्राप्त हो सकते हैं, कोई आय आपकी बढ़ सकती है, या फिर आय संबंधी जो भी समस्या थी आपकी हल हो सकती है। आपके ससुराल पक्ष से आपको कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, किसी गुरुजन से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी बड़े अपने जो घर में बड़े बूढ़े हैं उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें, क्योंकि उनके आशीर्वाद में आपको कुछ ना कुछ इस सप्ताह प्राप्त होगा। जो भी समस्या थी उनके आशीर्वाद से इस सप्ताह हल हो जाएंगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी आपकी, और हो सकता है कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा से आपको किसी कार्यवर्त से जाना पड़ जाए, कोई धर्म का कार्य करने की कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। चलिए दोस्तों, जानते क्या उपाय सप्ताह इनको करना चाहिए जिनसे इनकी जो भी समस्या है वो पहले से ही हल होती हुई चली जाए। दोस्तों, इस सप्ताह आपको नियमित रूप से तुलसी के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाना है और जो भी समस्या है उनको बतानी है। ये करने से आपको हल प्राप्त अवश्य ही होगा। बस संडे को ना करें, संडे छोड़ दें। चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।